हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल स्पीड कूलर मोटर के रोटरी स्विच कनेक्शन के बारे में। तो देख सकते हैं हमारे पास ये रोटरी है, इसमें दो टर्मिनल में हमने वायर जोड़ रखे हैं। आप किसी भी टर्मिनल पर वायर जोड़ सकते हैं। तो हमने इसमें एक को सप्लाई दे दिया है, किसी भी वायर्स को आप सप्लाई दे सकते हैं। और इसके आउटपुट के रूप में एक वायर जो कि फैन से कनेक्ट कर दिया है, और इसका जो केबल का दूसरा वायर बचा है जो कि डायरेक्ट था, और इसको हमें डायरेक्ट ही कनेक्शन करना पड़ेगा फैन में। तो हमने दोनों वायर फेस न्यूट्रल जोड़ दिए हैं। अब हम इसको सप्लाई देकर आपको दिखाते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप रोटरी स्विच के किसी भी दो टर्मिनल पर आप कनेक्ट कर सकते हैं दोनों वायर्स को, क्योंकि ये सिंगल स्पीड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, तो देख सकते हैं हमने सप्लाई दे दिया है इसको। अब इसका रेगुलेटर इसको घुमा कर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने पर ये फैन ऑन ऑफ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।